इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी की बड़ी बैठक बुलाई है और ये बैठक पटना के राबड़ी आवास पर इस वक्त शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, पटना के राबड़ी आवास पर राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी बैठक चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी समीक्षा इस बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए, लोकसभा के चुनाव में 23 सीटों पर चुनाव लड़ी आरजेडी, 4 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। और बिहार में महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन ने 9 सीटें जीती। बिहार में आखिरकार किन वजहों से राष्ट्रीय जनता दल इतनी सीटें हारी, अगर देखा जाए तो 30 सीटें जहां पर हार हुई है, 31 सीट आप इसको गिनकर चलिए क्योंकि एक सीट निर्दलीय पप्पू यादव जीते हैं और पूर्णिया में आरजेडी की बीमा भारती चुनाव लड़ रही थी। आखिर वजह क्या रही इस हार और जीत की, कौन सा फैक्टर काम आया, ये एक बड़ी रणनीति भी आगे आने वाले वक्त के लिए लालू प्रसाद यादव पटना में बना रहे हैं। देखिए, आपको यह भी जानना जरूरी है कि लालू प्रसाद यादव के साथ इस बैठक में आरजेडी के सभी सांसद, सभी विधायक, पूर्व विधायक के अलावे पार्टी के हारे हुए जो प्रत्याशी थे इस समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आने वाले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा की चुनाव में बिहार में महागठबंधन की सरकार कैसे बने, इस पर भी एक बड़ी रणनीति इसी बैठक से निकलेगी। फिलहाल आप टुडे, नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी की बड़ी बैठक बुलाई है और ये बैठक पटना के राबड़ी आवास पर इस वक्त शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, पटना के राबड़ी आवास पर राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी बैठक चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी समीक्षा इस बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए, लोकसभा के चुनाव में 23 सीटों पर चुनाव लड़ी आरजेडी, 4 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। और बिहार में महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन ने 9 सीटें जीती। बिहार में आखिरकार किन वजहों से राष्ट्रीय जनता दल इतनी सीटें हारी, अगर देखा जाए तो 30 सीटें जहां पर हार हुई है, 31 सीट आप इसको गिनकर चलिए क्योंकि एक सीट निर्दलीय पप्पू यादव जीते हैं और पूर्णिया में आरजेडी की बीमा भारती चुनाव लड़ रही थी। आखिर वजह क्या रही इस हार और जीत की।